हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आपका हमारे गृहिणी चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाला वीडियो मिल सके। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। होली का त्यौहार है और सभी लोग अपने अपने घरों में गुजिया बना रहे हैं, तो आज हम मूंगफली और मावे की गुजिया बनाएंगे। तो हमने 100 ग्राम कच्ची मूंगफली ली है और 150 ग्राम खोआ लिया है। मूंगफली को हमने कढ़ाई में रोस्ट कर लिया था और उसका छिलका उतार के इस तरह से दो टुकड़ा कर लिया है। तो इसको हम मिक्सी में चलाते बंद करते हुए दरदरा पीस लेंगे और खोए को हम भून लेंगे। तो चलिए हम लोग इस मूंगफली को पीस लेते हैं। गैस को हम मीडियम कर देंगे और खोए को हल्का भून लेंगे। देखिए 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद खोए का देखिए कच्चापन दूर हो गया है। तो अब हम इसमें ये जो भुनी मूंगफली है ये डालेंगे। मूंगफली को भी हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, खाली इसको एक सार करना है क्योंकि मूंगफली पहले से हमारी रोस्ट है। गैस को हम बंद कर देंगे। देखिए मूंगफली और खोआ हमारा एक सार हो गया है। गैस को हमने बंद कर दिया था। अब इसमें इलायची पाउडर और चीनी थोड़ा, जब भी ठंडा हो जाएगा तब इसमें डालेंगे। चलिए जब तक हमारा फूड ठंडा हो रहा है तब तक हम मैदे का डो बना लेते हैं। तो ये हमने एक कटोरी भर के मैदा लिया है। क्वांटिटी में हमारी मैदा 150 ग्राम है। और इसमें हमने 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारा डो बन रहा है। तो इसमें हमने पता चला कि मैदे में हमारा मोइन ठीक है और ये हमने गुनगुना पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक कड़ा डो हम बना लेंगे। बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं करना है, मतलब इस तरह का डो जो बेलने में आराम रहे हमें। देखिए हमारा डो तैयार हो गया है और हम हल्का सा हाथ में ऑयल लगा के डो को और अच्छे से गूंथ लेंगे। और इतना डो बनाने के लिए हमने 1/4 पानी का यूज़ किया है। ये एक कटोरी पानी था। और डो को हम ढक करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और चलिए तब तक हमारा पूर ठंडा हो गया है तो उसको हम इसमें चीनी नहीं डाल लेते हैं। देखिए ये हमने एक छोटी कटोरी चीनी ली थी, उसको पीस लिया है। इसको हम इसमें मिला लेंगे। और ये हमने 2 इलायची है, इसको मोटा कूट लिया है। इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हमने एक छोटी कटोरी चिरौंजी ली है। मेवे में हम खाली चिरौंजी डाल रहे हैं। आप चाहे तो और भी मेवा इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये मूंगफली की गुजिया तो इसमें हम ज़्यादा मेवा नहीं डाल रहे हैं। तो चलिए फिर हम गुजिया बनाते हैं। देखिए डो हमारा सेट हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा नीट कर लेंगे। देखिए हमने इस चम्मच के नाप से 2 चम्मच मैदा और थोड़े से गूंदने पानी में इस तरह की लेई बना ली है। इसको हम किनारे पे लगाएंगे।
देखिए हमारी गुजिया तैयार है और हमारी 9 गुजिया बनी है और इतना पुर बच गया है, इसको हम 2-4 दिन भी फ्रिज में रख करके उसके बाद भी गुजिया बना सकते हैं। तो चलिए गुजिया को हम तलते हैं। देखिए ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो गया है, तो गैस को हम थोड़ा मीडियम कर लेंगे कि गुजिया को हम बहुत तेज़ आंच पे नहीं डालेंगे और एक एक करके जितनी गुजिया आएगी उतनी हम डालेंगे। और इसको हम उलटते पलटते सेकेंगे ताकि हमारी गुजिया चारों तरफ से सिक जाए। गैस को मीडियम पे करे रहेंगे। देखिए गैस मीडियम पे थी, अब गैस को हम थोड़ा लो करके सेकेंगे ताकि गुजिया हमारी अंदर से सिक जाए। देखिए लो मीडियम फ्लेम पे पलटते उलटते देखिए हमारी गुजिया सिक के तैयार हो गई है और एकदम से कच्ची नहीं है ये, एकदम बढ़िया से सिक गई है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से गुजिया भी सेक लेंगे। देखिए हमारी गर्मा गर्म गुजिया तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाला वीडियो मिल सके। बाय बाय।